सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल मस्त हूँ। सो गाइस, अभी गए हम टोयोटा की कंपनी में, एजेंसी में, जहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ रखी थी नई नई। और आप मेरे सामने देख रहे हैं एक फॉर्चुनर है। तो मॉर्निंग का समय था, मैं 5 बजे सुबह उठ गया था और मैं था उस समय भीमताल में। तो भीमताल से हमारा प्लान था कैंची धाम जाने का, और कैंची धाम से हमारा ड्रॉप सीधा पंतनगर था। तो हम सीधे निकल गए थे कैंची धाम की तरफ को। और आप सभी देख रहे हैं कैंची धाम का समय है 6:30 बजे का। हम 6:30 बजे कैंची धाम पहुँच गए और यहाँ पर सुबह सुबह भी काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, काफ़ी भीड़ है सुबह सुबह भी। तो आप सभी देख रहे हैं कैंची धाम में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है कैंची धाम, बाबा नीम करौली बाबा का आश्रम। तो महाराज के दर्शन करने के बाद हम गए पायलट बाबा के आश्रम में, और जहाँ पर हमारे गेस्ट उतर कर यहाँ पर पायलट बाबा के दर्शन कर दिए। और सोमनाथ मंदिर करके ये यहाँ पर फेमस है, और गणेश जी का काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम चले गए थे गाइस सीधा चाय पीने के लिए, रुके पहाड़ी जो ठहरेवल करके एक शॉप है, तो वहाँ पर हमने फर्स्ट क्लास कुल्लड़ वाली चाय पी, जो काफ़ी अच्छी बनाई थी अदरक वदरक डालकर। तो कुल्लड़ वाली चाय पीने के बाद हम सीधा पंतनगर एयरपोर्ट चले गए थे। तो एयरपोर्ट में लगेज उतारने के बाद गेस्ट हमारा सीधे एयरपोर्ट से, फ्लाइट थी उनकी दिल्ली की और दिल्ली से बम्बई की, तो 4 लोग थे सब लोग। उनको ड्रॉप करने के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे सीधा टोयोटा कंपनी की तरफ को, क्योंकि हमने टोयोटा की एजेंसी में जाना था। तो काफ़ी सारे किया टाटा की एजेंसी हमको रास्ते में, काफ़ी सारी एजेंसियाँ मिली। और उसके बाद हम निकल गए सीधा टोयोटा की एजेंसी की तरफ को। सो एक्चुअली गाड़ी में थोड़ा सा क्लच का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको ही दिखाना था, तो इसलिए टोयोटा कंपनी में पहुँच गए थे। तो गाड़ी लगा दी थी हमने टोयोटा के कंपनी के सर्विस सेंटर के बिल्कुल बाहर। एक्चुअली यहाँ पर नंबर सिस्टम होता है, तो नंबर लगाने के बाद हम गए, गाड़ी हमारी लगी एजेंसी के अंदर सीधा सर्विस सेंटर में। तो सर्विस सेंटर में गाड़ी का काम हो रहा था, तो वही काम करवाया। और उसके बाद थोड़ी देर बाहर वेट किया, बाहर वेट कराने के बाद हम सीधा आ गए थे अपने टैक्सी यूनियन स्टैंड काठगोदाम पर। और काठगोदाम पर आप सभी देख रहे हैं हमारी और 7 की गाड़ियाँ खड़ी हैं, 8686151515 और तीसरी फिर से 8686। 3 गाड़ियाँ हमारी 7 में खड़ी थी। तो 7 में गाड़ी खड़े होने के बावजूद हम यहाँ से फिर निकल गए थे सीधा रूम की तरफ को। और रूम की तरफ के लिए हमने सब्जी वगैरह ली और हम यहाँ से सीधा निकल गए रूम को। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।